पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे पीएम अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है और ये 57वां एपिसोड है। प्रसार भारती इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। इसके अलावा प्रसार भारती अपने विभिन्न डीडी चैनल्स पर भी इस कार्यक्रम के विजुअल्स संस्करण को हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रसारित करता है। आज भी 11 बजे सुबह मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 57वां एपिसोड होगा ये। हर महीने के अंतिम हम देखते हैं रविवार को प्रधानमंत्री ये मन की बात कार्यक्रम करते हैं और इसे प्रसारित किया जाता है अलग अलग भाषाओं में। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है और देखिए 1 घंटा 44 मिनट का समय बाकी है और ठीक 11 बजे सुबह शुरुआत होगी मन की बात कार्यक्रम की 57वां एपिसोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुनने के लिए बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे अलग अलग जगहों पर, वो मन की बात सुनेंगे। तो देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी वो हरदोई में मौजूद होंगे, वहां से मन की बात सुनेंगे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक राजधानी लखनऊ में और भाजपा के नेता धर्मपाल सिंह लखनऊ में मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। भाजपा के प्रदेश क्षेत्र जिला मंडल शक्ति केंद्र और बूथ के पदाधिकारी कार्यकर्ता नेता भी कई जगहों पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, आयोग, बोर्ड, निगम के अध्यक्ष और सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधि बूथ पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मात्र 1 घंटा 43 मिनट बाकी, उसके बाद मन की कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मथुरा से 12 घंटे में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जैंत क्षेत्र के थोरेरा जंगल में शातिर वाहन चोर सोनू जख्मी हो गया। अपराधी सोनू के पास से हथियार बरामद हुआ है, बाइक बरामद हुई है। लाडपुर बंबा के पास भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी अपराधी साहुन गिरफ्तार हो गया है। मथुरा में 12 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ की खबरें। जैंत क्षेत्र के थोरेरा जंगल में मुठभेड़ हुई जहां वाहन चोर सोनू जख्मी हुआ है और उसके पास से हथियार बाइक बरामद किए गए हैं। लाडपुर बंबा के पास भी पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी अपराधी साहुन गिरफ्तार। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड पर है। कल सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें इन्वेस्टर समिट के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर सभी मंत्रियों को सभी 75 जिलों का प्रभारी बनाया गया। अब तमाम मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार मिला है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं उन्हें 1-1 जिले का प्रभार दिया गया है। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी देखिए, 2 जिलों का प्रभार यहां पर दिया गया है। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि मंडल की जगह जिले की जिम्मेदारी मिली है और मिशन 2024 को लेकर सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी 75 जिलों का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है, तय कर दिए गए हैं नाम। जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें 2-2 जिलों का प्रभार मिला है, वो 2 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी मिला है 2 जिलों का प्रभार, यानी कि वो भी 2 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। कल बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसके बाद मंत्रिमंडल की भी एक बैठक हुई और उसी बैठक में ये फैसले महत्वपूर्ण लिए गए। और देखिए प्रभार वाले मंत्रियों के क्या काम रहेंगे वो आपको बताते हैं। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में सबसे पहले जाएंगे और जिलों में जाकर वो सीधे जनता से संवाद करेंगे। जिले में कानून व्यवस्था की पड़ताल करेंगे कि कानून व्यवस्था जिले में कैसी चल रही है, उसकी पड़ताल होगी। फिर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, कितने विकास के कार्य हुए, कितने पेंडिंग है, उन सभी की समीक्षा करते नजर आएंगे। स्कूल, अस्पताल, गोआश्रम स्थलों की पड़ताल करेंगे। इसके अलावा विभागीय परियोजनाओं की भी साप्ताहिक समीक्षा उनके द्वारा की जाएगी। ये जिम्मेदारियां हैं जो देखिए इन मंत्रियों को दी गई हैं और ये मंत्री इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे 2024 के मद्देनजर। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हर एक जिले की जिम्मेदारी के लिए एक मंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। पहले मंडलों के जरिए ये नियुक्ति होती थी, मंडल का जो है प्रभार दिया जाता था, लेकिन अब जिलों का ये प्रभार दिया गया, यानी कि 1-1 जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। और 75 जिलों की प्रभार योजना ये क्या रहेगी, हमने पूरा आपको बताया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अनुभव, देखिए पहले हम देखते थे कि मंडलों का प्रभारी नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब जिलों का प्रभारी बनाया गया, सभी के सभी 75 जिले एक एक प्रभारी नियुक्त। तैयारी 2024 की क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये बैठक चली और उसमें कैबिनेट बैठक तो हुई, 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, लेकिन उसके बाद जब सारा मंत्री परिषद मौजूद था तब जो बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री
मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए सरकार की जो विकास की योजना है वो कैसे धरातल पर उतरे ये आप लोगों को देखना है। अब मंडल की व्यवस्था नहीं है, पहले क्या था मंडलों में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जाता था, कैबिनेट मंत्री होते थे उसके साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होते थे, वो उस मंडल के प्रभारी होते थे और उसके सारे जो मंडल में जिले आते थे उनका दौरा करते थे, फीडबैक देते थे, रिपोर्ट देते थे मुख्यमंत्री को और वो हर महीने बदल जाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने क्या किया है, साफ तौर पर सभी को अलग अलग जिलों का प्रभारी बना दिया है। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दो दो जिलों के प्रभारी हैं, इसके अलावा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं उनको भी दो दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद जो राज्य मंत्री हैं उनको एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई। अब इसके पीछे वजह क्या, देखिए वजह है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने और उससे पहले अप्रैल या मई में जब भी हम कहें निकाय के चुनाव होंगे, तो इस पर बीजेपी का फोकस है, सरकार का भी फोकस है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको जाकर देखिए, उनका फीडबैक क्या वो देखिए, साथ ही साथ जो गौ आश्रय केंद्र या फिर अन्य योजनाएं हैं वहां पर भी जाइए उसको भी देखिए। हाल ही में आपको याद होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री ने 18 मंडलों की समीक्षा बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने आवास पर बुलाया, अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते थे, जो विधायक हैं सांसद हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर जुड़ते थे, तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड का फीडबैक है वो मुख्यमंत्री ने लिया और इसीलिए अब मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, प्रभारी बना दिया गया है, यानी वो जाएंगे सारी चीज़ों को देखेंगे धरातल पर क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस योजना में कितना काम हुआ, बजट अगर गया है तो काम क्यों नहीं हो रहा, अगर बजट नहीं गया तो क्यों नहीं गया, ये सारी चीज़ें। और देखिए इसके पीछे 2024 है, बीजेपी का मिशन क्या है 80 सीटों का, और जब मंत्री प्रभारी बन जाएंगे तो उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी उस जिले की, जितनी भी सीटें हैं उसकी सारी जिम्मेदारी उनकी होगी और उस लिहाज से वहां पर काम भी किया जाएगा। तो अब हम कहें तो अब आप आने वाले दिनों में देखिएगा मंत्रियों के जो प्रभार है वो भी अलग अलग जिलों में अब बढ़ जाएंगे और लगातार बैठ के भी बढ़ जाएंगी। और अनुभव ये तो जरूरी हो जाता है यूपी क्योंकि भारतीय राजनीति का केंद्र है, अब ऐसे में जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अनुभव आप रहिए मेरे साथ, मैं आपसे और जानकारी लूंगी। यूपी में मंदिर प्रवेश पर अब सियासत गरमाई हुई है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि भाजपा वाले तो हमें शूद्र मानते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। अखिलेश यादव के अब इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। दरअसल शनिवार की बात है जब अखिलेश यादव लखनऊ के झूलेलाल वाटिका में मां पीताम्बरा 108 कुंडली महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश को देखकर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, लिखा कि मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को नहीं देना चाहते, सच तो यह है कि जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है क्योंकि वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। तो देखिए यह बयान दिया गया अखिलेश की तरफ से और कहा कि वक्त बदलते ही सब कुछ पता लग जाएगा। मंदिर प्रवेश के मामले में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अखिलेश कुछ तो कहेंगे उस मुद्दे पर। मैं वापस लौटती हूं अनुभव आपके पास, लेकिन सबसे पहले वो बयान एक बार दर्शकों को सुनाना जरूरी है जो अखिलेश यादव ने कहा है। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं, बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़े। तो देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, पूरा बयान हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले हमें शूद्र मानते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होती है, मंदिर प्रवेश का अधिकार हर किसी को वो नहीं देना चाहते हैं, जो किसी को मंदिर जाने से रोके वो अधर्मी है, वो धर्म के मार्ग में बाधा बन रहा है। ये बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। मंदिर प्रवेश को लेकर भाजपा पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और अनुभव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद ये उम्मीद थी कि कुछ तो कहेंगे, कुछ तो चुप्पी तोड़ेंगे अखिलेश यादव, लेकिन वो तो बीजेपी को लेकर कह रहे हैं कि हमें मंदिर में जाने से रोका जाता है, हमें शूद्र माना जाता है। किसने रोका अखिलेश यादव को मंदिर में जाने से? देखिए यूपी की सियासत में हमेशा से मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र रहा और एक बार फिर 2024 से पहले मंदिर की एंट्री हो गई है।
अब जिस तरीके से कल अखिलेश यादव जा रहे थे, ये माँ पीताम्बरा एक बार कुंडी महायज्ञ हो रहा है लखनऊ में गोमती तट के किनारे, तो वहाँ पर जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, उसके कुछ उत्साही कार्यकर्ता पहुँच गए, उन्होंने काले झंडे दिखाए, नारेबाजी कर दी। अब हर सियासी दल में जो यूथ विंग होती बहुत उत्साही होती है, तो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुँच गए, उन्होंने नारेबाजी कर दी। अखिलेश यादव निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए, बीजेपी जो पिछड़े हैं, जो दलित है, उनको शूद्र मानती है। उन्होंने ये भी कहा कि समय बदलता है, बीजेपी इसको याद रखे, फिर उनके साथ भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। और ये भी बयान दिया अखिलेश यादव ने कि भाई हमारी एनएसजी भी हटा ली, हमारे घर को भी हमसे छीन लिया, उसे गंगा जल से धुलवाई, इसलिए कि शायद बीजेपी हमको शूद्र मानती है और मंदिर जाने से रोकना चाहती है। तो यहाँ से ये सियासी बयानबाजी के बाद ये राजनीति शुरू हो गई। उस पर सबसे पहला रिएक्शन किसने दिया? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट में? उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि भाई अखिलेश यादव जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये माना जाए कि उनका जो बयान था स्वामी प्रसाद मौर्य का, रामचरितमानस का जो अपमान किया, उसमें आपकी मौन स्वीकृति है। और नीचे फिर लिखा कि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, यूपी की जनता ये जानती है। तो कहीं ना कहीं अब सियासत शुरू हो गई है मंदिर को लेकर, शूद्र की बात जो कही है अखिलेश यादव ने, और शायद यही स्ट्रेटजी अब समाजवादी पार्टी के आगे देखने को मिले, वो बीजेपी को कहीं ना कहीं दलितों पिछड़ों का विरोधी बताने में पहले भी जुटी है, और शायद अब यही आपको आगे भी जो समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है। राजनीतिक दलों का हर कोई दूसरे को कहता है कि आप विरोधी हैं दलितों के, गरीबों के, हम उनके साथ हैं, ये हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगाती है। धन्यवाद आपका अनुभव जानकारी देने के लिए। देखिए अखिलेश यादव के इसी बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। धर्म में श्रद्धा कम, 2014 के बाद से मजबूरी ज्यादा बन गई। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कड़ा प्रहार करते हुए वो लिखते हैं कि जब श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस मंदिरों में दर्शन करने को जाने लगे, यज्ञों में वो शामिल हों, कुंभ स्नान करें, भगवान श्री राम का भक्त बताएं, तब समझ लें श्रद्धा कम और 2014 के बाद से मजबूरी ज्यादा हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है हैशटैग लगाकर, ये भी उन्होंने लिखा है। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, जब भी श्रीराम का भक्त बताएं तो समझ लेना कि ये उनकी मजबूरी है। ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, जब श्री अखिलेश यादव और कांग्रेस सी मंदिरों में दर्शन करने को जाएं, यज्ञों में वो शामिल हों, कुंभ स्नान करें, भगवान श्री राम का भक्त बताएं, तो ये समझ लेना कि श्रद्धा कम है, लेकिन 2014 के बाद से ये उनकी मजबूरी ज्यादा हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आपने देखा। देखिए अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अखिलेश यादव राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं, पहले वो स्वामी प्रसाद को गलत ठहराएं, फिर दर्शन पूजन करें। और इधर उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी कहा है कि अखिलेश यादव के नेता हैं, उनको अपने दायित्व भली भांति याद होने चाहिए, वो अनर्गल बातें करके अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर जाना चाहे मंदिर जाए, पूजा करे, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करे, उसे आजादी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये आजादी नहीं हो सकती है कि किसी के धर्म ग्रंथों का अपमान करे, साधु संतों महंतों का अपमान करे, किसी की भावनाओं को आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करे। और देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, रामचरितमानस से उस चौपाई को, उस दोहे को हटाया जाना चाहिए। रामचरितमानस में जो कहा गया वो दलितों के, वो पिछड़ों के, आदिवासियों का अपमान है, उनके खिलाफ है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, सुनाते हैं आपको। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। माफी मांगेंगे क्या? मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।